जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ा हेरफेर देखने को मिला। हाल ही में हमने देखा कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया भाजपा का दामन थाम गए। हाल ही में एक इंटरव्यू में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रविंदर रैना ने ये कहा कि 7 से 10 ऐसे बड़े नेता उनके टच में है और बहुत जल्द वो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले कि अगर मैं बात करूं तो चर्चाएं ये भी थी, अफवाहें ये भी थी कि कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि दिग्गज नेता रमन भल्ला भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर की सियासत का रुख किस ओर जाएगा, और आपको क्या लगता है कि अगर रविंदर रैना ये कह रहे हैं कि 7 से 10 बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं तो वो नेता कौन से हो सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, आपके कमेंट्स भी मैं लूंगा और उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर वो 10 बड़े नेता कौन हो सकते हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है। शुरुआत करेंगे हम देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया से। अक्सर हम सब ने देखा कि जब देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे तो वो जमकर भारतीय जनता पार्टी पर बरसते थे, भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे, भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी वैसी है, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर की जनता को लूटा है, और खासकर इस पर ज्यादा जोर दिया जाता था कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं वो सुधर नहीं रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है इन हालातों को कब सुधारेगी, कैसे सुधारेगी। लेकिन उसके बाद खुद भारतीय जनता पार्टी में चले गए और सुरजीत सिंह सलाथिया उनके साथ, और हाल ही में कल की अगर मैं बात करूं तो बिलावर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता उन्होंने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि देवेंद्र सिंह राणा के साथ हैं, देवेंद्र सिंह राणा ने इस्तीफा दिया इसलिए उन्होंने भी इस्तीफा दिया। जारा लिख रहे हैं बीजेपी में ही क्यों जाना है, इंडिपेंडेंट नहीं बनती क्या, इन सब की आइडियोलॉजी से हमें कोई फायदा नहीं है। देखिए हर एक का अपना अपना तर्क है, आइडियोलॉजी हो सकता है किसी की अलग हो, भाजपा की अलग आइडियोलॉजी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की, पीडीपी की, पैंथर्स पार्टी की, डोगरा स्वाभिमान संगठन की अलग है, अपनी पार्टी की अलग है, पीपल कॉन्फ्रेंस की अलग है, हर एक राजनीतिक पार्टी की आइडियोलॉजी जो है वो अलग है। डिपेंड ये करता है वोटर पर, समर्थक पर, कि वो किस नेता को सपोर्ट करता है, डिपेंड ये करता है कि अगर वो जिस नेता को सपोर्ट करता है वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। इसलिए तो मैं हर बार यही एक बात बार बार दोहराता हूं कि जब भी वोट दीजिएगा पार्टी को वोट मत दीजिए, आप कैंडिडेट को वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं आगे जाकर वो आपको आपकी दिक्कतों का निवारण करेगा, तब जाकर आप उस कैंडिडेट को वोट दीजिए, पार्टी देकर आप वोट मत दीजिएगा। यासिर हुसैन कह रहे हैं कि सियासत, अब ये क्या लिखा है ये तो यासिर ही जाने। राहुल राजपूत जनाब कोई भी आ जाए बीजेपी में, लेकिन एक बात बता दूं आपको, मैं इन्होंने आने वाले इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का गेम खेलना है, याद रखिए। तो देखिए राहुल राजपूत, आपने तो यहाँ पर ये जो कमेंट किया है, देखिए इस पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी देना चाहूँगा। देखिए हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, तमाम लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में अमन शांति के साथ रहते हैं, प्यार के साथ रहते हैं। तो ज़रा सोचिए कि अगर आपको लगता है कि ये नेता हिंदू मुसलमान करवा सकते हैं तो वो नौबत ही मत आने दीजिए, उस नौबत तक पहुंचने ही मत दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये नेता हिंदू मुसलमान करवा सकता है तो उसको वोट ही मत दीजिए, आप उसको जिताइएगा ही मत। ये अगर आपको लगता है कि नेता ऐसा कुछ करने वाले हैं तो हम सबको समझना होगा, हम सबको ये समझना होगा कि ये भाईचारा हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर इस भाईचारे को हम बना के रखेंगे तो यकीन मानिए कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
जरा कह रहे हैं कैंडिडेट ही नहीं अच्छे तो पार्टी का होने का क्या फायदा। देखिए हर एक कैंडिडेट जो है वो एक समान नहीं होता है, ये हमें समझना होगा। क्योंकि देखिए आइडियोलॉजी की बात आती है, आइडियोलॉजी हर एक की अलग अलग होती है। हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के नेता को ही या कैंडिडेट को ही आपको वोट देना है। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अगर खड़ा है, अगर आपको लगता है कि इसमें वो पोटेंशियल है, वो क्षमता है कि आगे जाकर ये हमारे काम कर सकता है, तो आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी जिता सकते हैं, उसको वोट देकर जिता सकते हैं। भूषण सिंह कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी हर्षदेव सिंह की पार्टी है। और देखिए अगर आपको लगता है भूषण जी कि पैंथर्स पार्टी आपकी समस्याओं का समाधान कर सकती है, तो बेशक आप पैंथर्स पार्टी को वोट दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप आज़ाद हैं, आपका वोट जो है वो आपका हक है और उस हक को आपसे कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं छीन सकती। अगर आपको लगता है कि पैंथर्स पार्टी आपके मसले हल कर सकती है, तो बेशक आपको पैंथर्स पार्टी को वोट देना चाहिए। अंकित शर्मा कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जम्मू से होगा। अंकित देखिए ये बीजेपी का नारा है कि अगला सीएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा और जम्मू से होगा। अब समझने वाली बात यहां पर यह है, सवाल यह है कि क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि सीएम जम्मू का हो या कश्मीर का हो। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि सीएम कोई भी हो वो हमारे काम करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए कि कल को अगर जम्मू का ही सीएम हो और कल को उसने जम्मू के लोगों की बात ही नहीं सुनी, तो आप ही लोग कहेंगे कि जम्मू का होकर जम्मू की नहीं सुन रहा। कल को यही ताना जो है वो आप लोग मारेंगे। देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छी बात है आपकी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच है अंकित जी कि जम्मू का सीएम होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको लगता है कि जम्मू का सीएम होना चाहिए, तो अगर आप जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं या जो पार्टी आपको अच्छी लगती है, अगर उसकी ज़्यादा सीटें आएंगी तो बेशक जम्मू का सीएम भी आ सकता है। लेकिन सही, मैं तो सही बोलूं ना, बीजेपी पार्टी चोर है, सबसे बड़े चोर बैठे हैं रविंदर रैना। देखिए अब ये आपकी सोच है, अगर आपको लगता है ऐसा कुछ तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि नेता हैं, जीते हुए वो विधायक रह चुके हैं, इस समय जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं, और वो आपकी अपनी राय है, जाती राय है। लेकिन एक बात है वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा रविंदर रैना के बारे में, क्योंकि देखिए जब भी कोई भी किसी भी प्रकार की घटना अगर पाकिस्तान के तरफ से की जाती है, यानी कि नापाक हरकत की जाती है, तो रविंदर रैना जो है वो जमकर बरसते हैं, जो कि अच्छी बात है। वो हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम भारतीय हैं। अगर पाकिस्तान ऐसी हरकत करता है, नापाक हरकत करता है, तो उसको जवाब देना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। बाकी आपकी अपनी निजी राय है, आप कुछ भी कह सकते हैं। जारा लिख रहे हैं अब इलेक्शन नजदीक आए तो टेररिस्ट अटैक इंक्रीजिंग होंगे, इस पर क्या बोलेंगे आप। देखिए जारा जी मैं आपको ये कहना चाहूँगा, फाइनली देखिए इस समय हम सब जानते हैं कि कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हैं, वहाँ पर माहौल ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपने मेरी कल की वो स्टोरी देखी होगी, तो वहाँ पर जो कश्मीर से जम्मू आए हुए प्रवासी मजदूर हैं, उनसे जब मैंने बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि कश्मीर में अमन हो, कुछ लोग, ना कि पूरे कश्मीरी। ये कुछ लोगों में और पूरे कश्मीरियों में जमीन आसमान का अंतर है। कश्मीर की जनता भी नहीं चाहती कि ये खून खराबा हो, आम नागरिकों की हत्या हो, आम नागरिकों को तंग करे ये कुछ लोग, तो ये कैसे समाप्त होगा। ये आम नागरिक जब एकजुट होंगे, एक साथ होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये गुलदस्ता है जम्मू कश्मीर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सब जब इकट्ठे हो जाएंगे, एक साथ होंगे, यकीन मानिएगा ये चंद लोग जो हैं ये चुटकियों में भाग जाएंगे, और जो हमें डराने के लिए हमें डराना चाहते हैं वो खुद ही डर जाएंगे। अंकित शर्मा कह रहे हैं बीजेपी की इस बार सरकार होगी जम्मू कश्मीर में, इस बार 50 पार। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का ये नारा है कि अब की बार 50 पार जम्मू कश्मीर में। हाल ही में रविंदर रैना से ये पूछा गया था कि
उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पहले तो इन्होंने कहा था हम 35 लेंगे, फिर इन्होंने कहा हम 40 लेंगे, फिर कहा 46 लेंगे, और इस बार कह रहे हैं कि हम 50 पार करेंगे। तो रविंदर रैना ने यह जवाब दिया था कि उमर अब्दुल्ला की ये ख्वाहिश भी हम पूरी करने वाले हैं, 50 पार भी जाएंगे और जम्मू कश्मीर को सीएम भी हम ही देंगे, यानी कि भाजपा देगी। भूषण सिंह कह रहे गुड जॉब सर, थैंक यू भूषण जी। राहुल राजपूत कह रहे सर बीजेपी ने कोरोना काल में हिंदू मुस्लिम कर दिया, वैसे बात चल रही है नेक्स्ट सीएम जम्मू का, बट बीजेपी का कोई भी लीडर एनसी के लीडर से डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने दम पर हैं और ये सिर्फ मोदी जी के नाम पर हैं, सिर्फ रविंदर रैना कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आपने यहां पर कहा है कि कोरोना काल में हिंदू मुसलमान कर दिया, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पैंथर्स पार्टी हो, या फिर पीपल कॉन्फ्रेंस हो, या अपनी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो राष्ट्र स्तर की है या फिर राज्य स्तर की पार्टी है, हर एक राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा की है, उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की है। अगर आपको डिटेल में अगर जानकारी चाहिए तो इस पर भी हमने रिपोर्टिंग की हुई है। इसलिए ये कहना कि कोरोना काल में हिंदू मुसलमान किया गया, ऐसा कुछ नहीं है, जिसको ज़रूरत थी उसकी ज़रूरत पूरी की गई। अब रहा सवाल ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर के साथ जो है वो भाजपा के नेता जो हैं वो डिबेट नहीं कर सकते और अकेले रविंदर रैना क्या कहेंगे। तो देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर मैं जम्मू की बात करूं तो यहां पर दो बड़े नाम थे, दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, जो कि वो दोनों नाम, जो दो बड़े चेहरे दविंदर राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया, ये दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो धीरे धीरे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा समय लगेगा कि फिर से ऐसे ये दो बड़े चेहरे जैसे दविंदर राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया थे, ऐसे दो चेहरे तो कम से कम उनको बनाने पड़ेंगे, फिर जाकर डिबेट हो सकती है। तनवीर हुसैन कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी इज द बेस्ट ऑप्शन, न्यू लीडरशिप इज डेवलप्ड, डेली वेजर्स इज अ बिग वोट बैंक। देखिए तनवीर जी ने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि डेली वेजर्स पर मैं आऊँगा, बट डेली वेजर्स जो हैं वो बहुत समय से ये कह रहे हैं कि हमें परमानेंट कर दीजिए, सारा काम हम करते हैं फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। लेकिन डेली वेजर्स बहुत सरकारें आई सरकारें गई, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, भूख हड़तालों पर बैठे, लेकिन किसी भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम आपको परमानेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सत्ता चलानी थी, उनको सरकार चाहिए। हर राजनीतिक पार्टी ने यही कहा, चाहे वो सत्ता में है चाहे वो सत्ता में नहीं है, कि आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए तो वो नेताओं के भाषण, वो नेताओं के वादे जमीनी स्तर पर नहीं उतर पाए, इसलिए डेली वेजर्स आज तक परमानेंट नहीं हुए हैं। संदीप शर्मा कह रहे हैं कि अगला सीएम जम्मू से ही होगा। संदीप जी देखिए मैंने पहले ही कहा कि अगर आपको लगता है, देखिए फर्क नहीं पड़ता जम्मू से हो कश्मीर से हो, फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि जो भी सीएम हो वो जम्मू कश्मीर की जनता के काम करे। दीपक कह रहे हैं कि डोगरों की आवाज शेरे डुग्गर चौधरी लाल सिंह जी और हर्षदेव जी, बिल्कुल देखिए मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद है, अगर आपको चौधरी लाल सिंह और हर्षदेव सिंह अगर दोनों नेता पसंद है तो अच्छी बात है, और आपको लगता है कि ये आपकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं तो बेशक आप इनको वोट दीजिए, आप इनको जिताइए, इनको पावर में लाइए, किसने रोका है, आपको कोई नहीं रोक सकता। रिंकू कह रहे हैं कोई गरीब इंसान को बनाओ सीएम जो लोगों का दर्द को समझे। देखिए रिंकू जी आप कह रहे हैं किसी गरीब इंसान को सीएम बनाओ, कोई बनाता नहीं है। देखिए जनता जिसको जिताएगी ना, जिसके फेवर में जनता होगी, इस बात को समझिए, जिसके फेवर में जिसके सपोर्ट में जनता जाएगी, और अगर जनता कहे कि हमारा सीएम ये होना चाहिए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, तो यकीन मानिए पार्टी को भी उसी शख्स को सीएम बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाएंगे तो जनता नाराज हो जाएगी और उनकी सरकार जो है वो डगमगा जाएगी। तो ये बात जो है हमारी जनता को समझनी पड़ेगी।
मोहम्मद नसीब कह रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम फारूक अब्दुल्ला। नसीब साहब, अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, मैंने पहले ही कहा कि हर एक शख्स का अपना अपना नज़रिया है। 101% फारूक अब्दुल्ला हो सकते हैं। लाल सिंह जी, ओनली ऑप्शन फॉर डोगराज। दीपक बलोरिया कह रहे हैं, दीपक जी अगर आपको लगता है कि चौधरी लाल सिंह जो है वो आखिरी होप हैं, ओनली ऑप्शन हैं, तो बेशक आप चौधरी लाल सिंह को वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट राजेश शर्मा कह रहे हैं, नेक्स्ट सीएम जम्मू से बीजेपी पार्टी से होगा, बीजेपी जिंदाबाद, और हर हर मोदी घर घर मोदी। देखिए 2014 में जब चुनाव हुआ था तो तब ये स्लोगन दिया गया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, और मोदी लहर ऐसी चली कि सब कुछ समेट कर ले गई, और 25 एमएलए जो हैं, 25 विधायक जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, जम्मू से हुए। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और 25 नेताओं ने क्या क्या काम किए वो भी आपके सामने। अगर आपको लगता है कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो अगर आपको लगता है तो आप उसी के साथ जा सकते हैं। यश ठाकुर कह रहे हैं, कश्मीर से बीजेपी को कितनी सीट मिलेंगी? देखिए ये सही सवाल है यश ठाकुर। देखिए अगर मैं डीडीसी से पहले की बात करूं तो हम सब जानते हैं कश्मीर में कमल का फूल नहीं खिला था। जैसे ही डीडीसी चुनाव हुए, हालांकि पीछे पंच सरपंचिस के चुनाव भी हुए थे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी जीती, बीडीसी की भी एक दो सीट निकली थी, लेकिन डीडीसी अहम चुनाव था। डीडीसी में जो प्रदर्शन भाजपा ने किया है वो सराहनीय है, और सवाल यही है, यही सवाल है। और रविंदर रैना ने बार बार इसी का जवाब देते हुए कहा है कि इस बार कश्मीर में गुलाब ही गुलाब खिलेगा। अब उनकी अगर मैं बातों को एनालाइज करूं तो भाजपा कम से कम ये सोचकर चल रही है कि ज्यादा नहीं तो 15 से 20 सीटों के बीच में अगर कश्मीर से वो सीटें ले ले तो फिर तो सरकार भाजपा की ही बनेगी। अब देखना यह है कि भाजपा कितनी सीट्स ले सकती है वहां पर, इस पर भी मैं बाद में आपसे संक्षेप में बातचीत करूंगा। अनिल कपूर लिख रहे हैं, जम्मू में 5 भी नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की। अगर आपको लगता है तो ऐसा तो हो सकता है यश ठाकुर। जम्मू में 40+, जम्मू में 40+ कह रहे हैं यश ठाकुर, कह रहे हैं कि जम्मू में 40+ सीट्स, 40 तो सीटें ही नहीं है तो कैसे 40+ हो गई। रॉकी रकवाल कह रहे हैं, ओनली डोगरा सरकार, डोगरा सरकार इस बार डोगरा सरकार। तो डोगरा सरकार तो ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन वो बनाएगा कौन डोगरा सरकार? कोई ऐसी पार्टी है क्या जो पर्टिकुलरली डोगरों के साथ है? हाँ, चौधरी लाल सिंह की पार्टी है डोगरा स्वाभिमान संगठन, लेकिन उनके अलावा कोई ऐसी है पार्टी आपको लगता है कि कोई ऐसी पार्टी है या डोगरा स्वाभिमान संगठन में इतना पोटेंशियल है कि वो जम्मू कश्मीर में अपनी स्थायी सरकार बना सकती है? सीएम डोगरा स्वाभिमान संगठन का हो सकता है, अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है। अंकित शर्मा कह रहे हैं कि अगला सीएम भारतीय जनता पार्टी से होगा, इस बार जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को खुलकर वोट देगी। अगर आपको लगता है तो बहुत अच्छी बात है। गुलाम नबी आज़ाद साहब, मीर अल्ताफ हुसैन कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री जो हैं गुलाम नबी आज़ाद होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कश्मीर में बिगड़ते हालातों को मद्देनज़र रखते हुए गुलाम नबी आज़ाद थोड़ी देर पहले जम्मू पहुँचे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं वो, और थोड़ी देर पहले जो है वो एयरपोर्ट पहुँचे हैं, और जम्मू कश्मीर का वो जायज़ा लेंगे, मुआयना लेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो कैसे खराब हुए और कब तक सामान्य होंगे। अनिल कपूर कह रहे हैं कि पहले 25 सीट थी जम्मू की, हालत सामान्य है, पहले 25 सीट थी जम्मू की, हालात सामान्य है। 25 सीट तो पहले थी बिल्कुल, लेकिन हालात सामान्य हैं ये समझ नहीं आया। सुनील रैना कह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ओनली फॉर द डेवलपमेंट। अगर आपको लगता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने डेवलपमेंट की है और वो बेहतर से जम्मू कश्मीर को संभाल सकते हैं तो बिल्कुल आप फारूक अब्दुल्ला के साथ जा सकते हैं। चौधरी लाल सिंह जी जिंदाबाद, जय डोगरा, जय डोगरा। रवि डोगरा कह रहे हैं बिल्कुल अच्छी बात है, अगर आपको लगता है ऐसा तो। अगर कोई सवाल है तो सवाल पूछिए, सवाल दीजिए, और आपकी कोई राय है तो वो भी बताइएगा। मोहम्मद रफ़ी कह रहे हैं कि एनसी का, अंकित फिर से कह रहे हैं कि बीजेपी का ही होगा, नेक्स्ट सीएम बीजेपी से होंगे। रविंदर रैना,
देखिए ये बड़ा नाम लिया है इन्होंने कि अगले सीएम जो हैं यानी कि चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री कौन होंगे, रविंदर रैना होंगे, अंकित शर्मा। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीतती है, सत्ता में आती है, तो क्या रविंदर रैना को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अनिल कपूर कह रहे हैं कि कंपनी लेबर की सैलरी कब रिवाइज होगी। अनिल जी ये भी मैं आपको बता दूंगा, थोड़ी देर बाद मैं आपको आपके साथ लाइव आऊँगा, वहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। मुश्ताक अहमद खटाना कह रहे हैं कि 20 सीट्स जम्मू से बीजेपी को मिलनी तय हैं। मुश्ताक अहमद कह रहे हैं कि 20 सीट्स जम्मू से मिलनी तय हैं। अगर आपको लगता है ऐसा, अगर आम जनता कह रही है कि 20 सीट्स मिलेंगी, तो हो सकता है 20 सीट्स मिलें। नेक्स्ट सीएम ओनली डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, सुनील राणा फिर से वही कह रहे हैं। रिंकू भगत कह रहे हैं मेरा क्वेश्चन आप मीडिया से है कि आप तो सबका इंटरव्यू करते हैं, हमसे सवाल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, करते रहते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कौन बनेगा जम्मू का सीएम? देखिए रिंकू जी, मैं शुरुआत से ही एक ही बात कह रहा हूं, सीएम चाहे जम्मू से हो चाहे कश्मीर से हो, एक बार फिर कह रहा हूं, सीएम चाहे जम्मू का हो चाहे कश्मीर का हो, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है ये कि क्या वो सीएम जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज सुनेगा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी को, आप भारतीय जनता पार्टी का ही ले लीजिए, आप एनसी का, पीडीपी का, कांग्रेस का, किसी भी पार्टी का आप सीएम ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है ये है कि क्या वो आम जनता की आवाज सुनेगा? क्या आज तक जो ये कहा जा रहा है कि भेदभाव की राजनीति हो रही है, क्या वो ये भेदभाव खत्म कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। सीएम कौन बनेगा, जम्मू से हो कश्मीर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। राणा नेक्स्ट सीएम, सूरज सिंह कह रहे हैं कि देवेंद्र सिंह राणा अगले सीएम हो सकते हैं। जितने भी बीजेपी में चले गए पता इलेक्शन में ही पता चलेगा, कह रहे हैं रवि जी जितने भी बीजेपी में गए हैं पता इलेक्शन में चलेगा। बीजेपी में ओनली बीजेपी ने जम्मू वालों को लॉलीपॉप दिया है। अगर आपको लगता है लॉलीपॉप दिया है तो हो सकता है मे बी लॉलीपॉप दिया हो। साकिब भट्ट कह रहे हैं यूथ का फ्यूचर डिस्ट्रॉय किया है बीजेपी ने, सो इस बार बीजेपी लखनपुर पार। देखिए इन्होंने, साकिब भट्ट ने तो अपना ही स्लोगन बना दिया, बीजेपी इस बार बीजेपी लखनपुर के पार। मोहम्मद रफीक कह रहे हैं देवेंदर कहाँ जाएगा, वो तो भारतीय जनता पार्टी में है, देवेंदर राणा तो भारतीय जनता पार्टी में, वो कहाँ जाएंगे? अनिल कपूर, गुलाम नबी आज़ाद सर सीएम ही होने चाहिए, वो तो डिसाइड करेगा चुनाव। अगर कांग्रेस पार्टी की ज़्यादा सीट्स होती हैं तो कांग्रेस पार्टी किसको सीएम कैंडिडेट बनाती है। काका हुसैन, जस्टिस फॉर पीएचई लैंड ओनर्स, बिल्कुल इस पर भी बहुत बार मैंने बात करी है, बहुत बार इन नेताओं से बात करी है, लेकिन ये नेता टस से मस नहीं होते हैं। मोहम्मद नसीब, कश्मीर 36 पीडीपी, देखिए ये मोहम्मद नसीब ने तो आंकड़ा तक दे दिया है, कश्मीर से 36 पीडीपी, 9 जम्मू से एनसी, 10 पीडीपी, 8। इन्होंने तो पूरा का पूरा एनालाइज कर दिया इस हमारे लाइव लाइव शो के बीच में कि किसकी कितनी सीट्स आने वाली हैं। डार मुदस्सिर कह रहे हैं एनसी जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला अगले सीएम हो सकते हैं। मोहनलाल डोगरा, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या किया बीजेपी ने, रेशो चेक करो अनएम्प्लॉयमेंट एक बार वोट। बिल्कुल देखिए अनएम्प्लॉयमेंट अगर इस बार आपने देखा होगा तो 21.6 का सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो आया है, हाल ही में ये आंकड़े जो हैं वो जारी किए गए थे। सुजीत कुमार नेक्स्ट सीएम आम आदमी पार्टी का होगा। देखिए आम आदमी पार्टी का तो हाल ही में दफ्तर यहाँ पर खुला है, कुछ महीने पहले यहाँ पर दफ्तर खुला है। जम्मू कश्मीर में अरविंद केजरीवाल एक बार भी नहीं आए हैं, तो मुश्किल ही लग रहा है, लेकिन ये जनता है, जनता जिस पर कहते हैं जनता जनार्दन है, जनता जिस पर मेहरबान, वो कुछ भी कर सकता है। रोहित कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है रैबरे खेल वालों को मसला हल होगा? देखिए ये नेत सवाल, देखिए जिन जिनको काम करना है ना, वो तो हर बार यही कहते हैं बिल्कुल हमारी इस पर नज़र है, हमने बात की है, बात चल रही है, फाइल ऊपर तक पहुंच गई है। तो ये फाइल नीचे से ऊपर तक पहुंच तो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि वो फाइल जहां तक पहुंच रही है वहां पर कोई ऐसा लॉकर है जिस लॉकर की चाबी गुम हो गई है, इसलिए वो लॉक खुल नहीं रहा है, तो वो आपकी फाइल उस लॉक में अटक चुकी है, इसलिए
इसलिए आपका काम जो है वो हल नहीं हो रहा है। रवि महाजन कह रहे हैं जम्मू का कोई भी सीएम कम नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि जनता है। रवीश कह रहे हैं सबका सबके सब चोर हैं बीजेपी में अपने घर बाहर लिए। देखिए आपको लगता है कि अगर ऐसा है जनता जनार्दन, मैं पहले ही कह रहा हूं कि जनता जनार्दन है। सुरजीत कुमार कह रहे हैं कि अब की बार केजरीवाल की सरकार जम्मू एंड कश्मीर। देखिए केजरीवाल की एक बात मुझे अच्छी लगी थी कि वो जैसे ही देखिए उनकी उनकी बातें अगर आप उनके भाषण सुनेंगे जहां पर भी इलेक्शन होता है तो केजरीवाल कुछ ना कुछ फ्री कर ही देते हैं, चाहे बिजली हो पानी हो। अगर हाल ही में आपने देखा होगा कि पंजाब की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में अगर केजरीवाल की सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। और उसके बाद एक हफ्ते बाद जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी कह दिया कि अगर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सत्ता में आती है और सरकार बनाती है पूर्ण बहुमत के साथ आती है तो 400 यूनिट बिजली फ्री दे देगी। तो जनता तो यही चाहेगी कि हमारी बिजली फ्री हो जाए, हमारा बिल कम आए। देखते हैं क्या होता है। हैरी सिंह देवेंद्र जी स्टॉप जेसीबी, अरे कहाँ चल रही है जेसीबी और किससे पूछ रहे हैं। बीजेपी ने देश को बर्बाद किया, इस बार बीजेपी ने जम्मू को बर्बाद किया। डार मुदस्सर कह रहे हैं, नीरज निजार साजिद कह रहे हैं इलेक्शन होंगे ही नहीं। नहीं इलेक्शन होंगे निजार जी, इलेक्शन होंगे क्योंकि देखिए हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ पर आया और मार्च से पहले पहले जो है वो अपनी प्रक्रिया सामने रखेंगे और उसके बाद जो है वो चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मुख्तार कह रहे हैं एनसी जिंदाबाद। डार्क मुदस्सर कह रहे हैं एनसी कश्मीर में से 39 और जम्मू से 15 विदाउट कोलिशन गवर्नमेंट, पूर्ण बहुमत एनसी को दे रहे हैं ये। 39 कह रहे हैं कि कश्मीर से ले लेंगे और 15 जम्मू से और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना देंगे। अच्छी बात है अगर आपको ऐसा लगता है। मुख्तार शेख कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला नेक्स्ट सीएम। देखिए यहाँ पर एनसी के जो समर्थक हैं वो दो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो दो गुटों में बट गए हैं। एक कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला होंगे सीएम और दूसरे कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला होंगे सीएम। तो ये शायद लगता है कि इन कन्फ्यूजन है बीच में। राजकुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस का होगा अगला सीएम। साकिब भट्ट कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना हाई होगा बीजेपी के टाइम में, क्या इसके बारे में जनता बीजेपी को, ये जनता को डिसाइड करना। देखिए इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये जनता को डिसाइड करना होगा। अगर उनको लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भाजपा के समय में बढ़ा है तो आप उनको वोट मत दीजिए, अगर आपको लगता है कि बीजेपी अच्छे काम कर रही तो आप उनको वोट दे सकते हैं। नजार कह रहे हैं बीजेपी जब तक है इलेक्शन नहीं होंगे। नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि देखिए मार्च तक तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपना फैसला सुना देगा और कितनी सीटें जम्मू की बढ़ती हैं कितनी कश्मीर की बढ़ती हैं फैसले के बाद साफ हो जाएगा और उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। काका कह रहे हैं बीजेपी कभी नहीं जीत सकती, प्रॉमिस। अगर आपको लगता है तो अच्छी बात है, प्रॉमिस। अंकित शर्मा, डीडीसी इलेक्शन में इस बार 3 सीटें आई थी, कश्मीर में असेंबली इलेक्शन में 30 आएंगी। देखिए कॉन्फिडेंस, देखिए अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अगर 30 आएंगी तो। मोहम्मद रफीक कह रहे हैं कश्मीर से एनसी 25, पीडीपी 8, अपनी पार्टी 4, तारेगामी 1, सज्जाद लोन 2, बीजेपी 0। बीजेपी का जिक्र नहीं किया है। अगर देखिए एनालाइज कर रहे हैं आप लोग कि किस पार्टी ने कैसा सेटअप अपना बिठाया हुआ है, उस हिसाब से अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं तो देखिए 4 सीट दी हैं पीडीपी को, 8 सीट दी हैं, सज्जाद लोन को 2 सीट दी हैं और यूसुफ तारेगामी को 1 सीट और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 25 सीट। राणा जी का बिजनेस बचा जाएगा। विपल कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी पार्टी, निजार कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी है इलेक्शन नहीं होंगे, ये तो मैंने अभी कह दिया था। नेक्स्ट सीएम कांग्रेस। सनी खजूरिया कह रहे हैं लाल सिंह और हर्षदेव हो सकता है, नेक्स्ट कांग्रेस लाल सिंह हर्षदेव। न्यू फेस इन कश्मीर नो ओल्ड पर्सन, बट अब्दुल राशिद भट्ट कह रहे हैं कि कश्मीर में नया चेहरा सामने आएगा, कोई पुराना चेहरा नहीं। अच्छी बात है, आपकी सोच अच्छी है और आपको लगता है कि कोई ऐसा युवा नेता है जो आपके काम कर सकता है, बिल्कुल आप उसके साथ जा सकते हैं। अल्ताफ बुखारी विल लीड द गवर्नमेंट, विपुल बाली कह रहे हैं कि देखिए ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक नया नाम सामने रखा है, अल्ताफ बुखारी।
अगर आपको लगता है तो बिल्कुल हो सकते हैं। अनिल कह रहे हैं बीजेपी के पास कौन सी मशीन है देशद्रोही को देशभक्त बनाने बना देती है, बीजेपी ज्वाइन करते हैं। तो देखिए ये कमेंट देखिए, ये कमेंट है, ये आज तक किसी को भी समझ नहीं आया। क्योंकि देखिए जब तक देवेंद्र रैना और सुरजीत सिंह सलाथिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, वो जमकर बरसते थे और भाजपा पर जम बरसते थे और भाजपा कहती थी कि एनसी वाले जितने भी नेता हैं वो देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, चाइना से बात करते हैं कि चाइना से बात करके 370-35 से लाएंगे। तो खैर वो तो बात की, ये राजनीति है, नेता आते हैं नेता जाते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कश्मीर से बीजेपी 00 इफ द गवर्नमेंट कलेक्ट द टैक्सीज 75,000 करोड़ इन 2014 बट बीजेपी कलेक्ट 3,50,000 करोड़। अपने अपने नतीजे हैं। तो चलिए खैर, और सबसे अहम बात जिससे मैंने शुरुआत की थी, आप लोगों से बात करके बहुत मुझे अच्छा लगा, आपके कमेंट्स आए उनके मैंने जवाब भी दिए, और माफ़ कीजिएगा अगर किसी का नाम और कमेंट मैं नहीं ले पाया हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे हम आपसे बात मैं आपसे करता रहूँगा। तो आप अपने सवाल दीजिए, अपने विचार दीजिए और कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। और शुरुआत जिस बात से मैंने की थी कि रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि 7 से 10 बड़े ऐसे नेता हैं जो उनके टच में हैं और जल्द ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कि वो 7 से 10 नेता वो कौन होने वाले हैं? क्योंकि देखिए अफवाहें चली थी कि रमन भल्ला कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा सकते हैं, लेकिन रमन भल्ला ने जवाबी कार्रवाई में जवाब देते हुए कहा था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि रमन भल्ला कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाएगा वो लोग पागल हैं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।